सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और वैसे मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। और कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं सही सब कुछ अच्छा होता है, किसी के उधर हार होगा किसी के ना। और मैं भी फ्री फायर पहले खेलता था पर अब छोड़ चुका हूँ, इसलिए बट गेम गेमिंग तो सबको पता ही होगा है ना। सो गेम गेमिंग के कुछ दिन पहले एक्सीडेंट होकर वो अभी तक हॉस्पिटल में है, पर उसका हेल्थ अब काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है और जल्द ही ठीक हो जाएगा गेम गेमिंग भाई। और गेम गेमिंग भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हो गया उनके साथ, और उसके साथ साथ हम वो गेमिंग जो गेमर्स है उसके अलावा हम क्या सीख सकते हैं, वो सब चीज़ इसी वीडियो में आप लोग को मैं दूंगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना कि वीडियो के अंदर है बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग भी पैसा ना करिए और गेम टाइम पास के लिए बस कि मैं सब लोग सीरियसली लेते हैं, सब सीरियस होते हैं और ऐसा ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेम भाई सो पंडे भाई सब लोग साथ में थे वो एक्सीडेंट होते समय, और वहाँ पर क्या क्या हुआ सब इस वीडियो में बताया दिया गया है, सो आप लोग देख सकते हो। उसी दिन आए 22 अप्रैल का बात है, रात के 9:20 के आसपास है, रात के 9:20 के आसपास हम लोग पहुंचने वाले थे लखनऊ, बाराबंकी करके इधर जगह है एक, ठीक है, जस्ट लखनऊ पहुंचने से 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उधर तो हम लोग साइड में गाड़ी खड़ी करके ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे थे, म्यूजिक सुनना है करके, तभी मतलब ड्राइवर आगे सीट में थे ऐसे आगे सीट में और ज्ञान भाई में इधर सीट में बैठे हुए थे, इनोवा था बुक किया हुआ था, सनम भाई और एक दोस्त पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। तो सुसु करना है करके ड्राइवर भी निकल गए, ज्ञान भाई भी निकल गए और आगे से मेरी वाइफ थी वो भी निकल गए, और हम लोग मैं इधर ही था, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके आवाज बढ़ा रहा था, सनम भाई और दोस्त उधर पीछे थे, तो ये सीट खोल के वो बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड का टाइम था, जस्ट उतरे थे ज्ञान भाई, उतरते ढक से हमको हिट हुआ, हमारा गाड़ी ना खाड़ी में खाई में गिर गया नीचे, है ना, खड्डा टाइप का कुछ था, हाईवे के साइड में जो गड्ढे होते हैं ना फेंस, उधर फेंस लोहे का फेंस ऐसा लगा हुआ था, उसको तोड़ के नीचे एक झटके में गया, ऐसा झटका हमको लगा, पता ही नहीं चला कि किसने मारा, कैसे ठक्कर हुआ। तभी सनम भाई चिल्लाने लगे, ज्ञान भाई को देखो, ज्ञान भाई को देखो, दरवाजा मैं ओपन करने के लिए कोशिश किया, ये दरवाजा खुल नहीं रहा था, इधर वाला लेफ्ट वाला दरवाजा खुल रहा था, दरवाजा खोल के जैसे तैसे ऊपर गया, तो हाईवे में जाते ही ऊपर जाते सड़क के किनारे ज्ञान भाई ऐसे ऐसे पाव करके बैठे हुए थे, एक पाव उसी टाइम कट गया था और चोट लगा हुआ था, मैं जस्ट ऊपर गया तो बोले थे कि टोंडे भाई देखो ना ये क्या हो गया, यही बोले सब, मतलब उनको भी एक तरह से उस टाइम बिलीव ही नहीं हुआ। आप लोग ने देख लिया कि गेम गेमिंग भाई का एक्सीडेंट कैसा हुआ, क्या हो गया उनके साथ, तो ये वीडियो से सबको पता चल गया होगा। और गेम गेमिंग भाई हॉस्पिटल पहुँच गया और उसके बाद सब लोग उसका सो है ना गेमिंग दोस्त वो सब उनके मिलने के लिए वहाँ तक भी पहुँचा, इससे कहना सकते हैं कि हम लोग और दोस्त ऐसा होना चाहिए। और आप लोग गेम खेलने समय में ऐसा बंदा को फ्रेंड बनाते हैं ना जो कि सो सब लोग ऐसा ही होता है, तो मैं नहीं बोल सकता पर मिनिमम लोग ऐसा ही रहता है कि जो मास्टर ग्रैंड मास्टर और हीरे ऐसा ऐसा ऊपर जिसका भी रैंक होता है सो उसी का फ्रेंड होता है वो, पर वैसा नहीं, जो आप लोग को रियल लाइफ में भी साथ देगा सपोर्ट देगा ना वही होगा आपका असली फ्रेंड। इसीलिए आप लोग को गेम में बड़ा बोलना छोड़ दो और सभी के फ्रेंड बनो, और जो अपने लाइफ में जिस भी समय पे वो लोग साथ दे सकता है सो उसका फ्रेंड बनना, ताकि आप दुख में जब पढ़ोगे उसी समय में आप लोग को सपोर्ट मिले। और गेम गेम भाई एक्सीडेंट होने के बाद भी क्या कह रहा था वो ट्रेंडर में बता रहा है। सो क्या
दोस्तों, फिर डॉक्टर तो पहले बोल रहे थे कि नहीं बच पाएंगे, चांस नहीं है, चांस नहीं है टाइप का। तो उस टाइम तो हमारा कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था कि ज्ञान भाई ने बहुत अच्छे से फाइट किया ये चीज को, उनका वो हिम्मत साहस सब उन्होंने हिम्मत दिखाई। डॉक्टर ने बोला था कम से कम 1.5 से 2 दिन में उनको होश आएगा, लेकिन ज्ञान भाई मतलब अंदर से इतना लड़े, वो 4 से 5 घंटे में होश ला दिए। अभी भी उनका माइंडसेट इतना पॉजिटिव है, लाइक हम जाते हैं तो भी होता ना हंस जाते हैं, मजाक करते हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला बोलते हैं, वो अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सो आप लोग ने वीडियो भी देख लिया होगा, और इस वीडियो से आप क्या जान सकते हैं कि आप किसी भी मुसीबत में हैं, और वो मुसीबत से हम वैसा सो इजीली नहीं निकल सकते, इसलिए हम खुद ही स्ट्रांग होना चाहिए, किसी से नहीं डरना, स्ट्रांग रहना चाहिए आप लोग भी। और इसे स्ट्रांग होने के बाद हम लोग जिस भी तरह का सो कठिनाई हो, बाधा कठिनाई क्या बोलते हैं दिक्कत है, उसे क्या पार कर सकते हैं, ताकि हम मेरे पास कॉन्फिडेंट हो, और हम लोग के पास कॉन्फिडेंट होता है हम लोग सब के लिए पार लेंगे, रैंक हाई होने, वो अच्छा अच्छा प्लेयर उसके ब्रेन बनने की जरूरत है हमको, अच्छा जो हमारा रियल लाइफ में सपोर्ट देगा उसी का ब्रेन बनाना चाहिए। और हमें किसी वक्त भी हम लोग मुसीबत में होगा ना, उस वक्त हम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हार ना मन जाए, ऐसा करके हम लोग जिस भी तरह का सो दिक्कत है उसका हम पार कर सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और इंटरेस्टिंग लगा था वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सो धन्यवाद, और वैसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहता है, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट किया था। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो।